ladies and gentlemen, her. Gali mein mare phere, paas aane ko mere, gali mein mare. Hello everyone, welcome back to the channel. It's me, and for today's video, it's going to be the result video. So in today's video, I will be revealing my half yearly results. But before that, happy दशहरा टू ऑल ऑफ यू. आज दशहरा है एंड दशहरे के 3 या 4 दिन बाद मैं ये अपलोड करने वाली हूँ. तो हैप्पी दशहरा बस. एंड लेट मी टेल यू गाइस, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेज, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज है. एंड ऑनेस्टली टेल यू कि मैंने लगभग मैं आधे घंटे से बैठी हूँ, पहले यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बनाने आई आवाज़ आने लगी. सो प्लीज़ इग्नोर दैट. एंड फॉर रिज़ल्ट, देखो मेरा रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा नहीं आया, मतलब कि ठीक ठाक आया है, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पेपर काफ़ी बेकार गए हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू जज मी, प्लीज़ डोंट जज, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं जज करने लायक. और यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बेल्ट है यार, उसको हटाओ. मैं इतनी आलसी हूँ, मैं उसको हटाने वटाने जाने वाली रहन दो उसको, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मैं पहले बताने वाली हूँ SST के मार्क्स, जो कि पर्सनली मेरे हाईएस्ट हैं उसमें, जो कि हैं 77 out of 80. एम आई हैप्पी विद द रिज़ल्ट ऑफ SST? या आई एम हैप्पी, बिकॉज 2 नंबर का मेरा गलत था, तो 78 एक्सपेक्टेड था, और 1 नंबर सर ने काट लिया क्वेश्चन आंसर्स में. उसको भी मैंने सोच ही लिया था कि सर उसमें काट लेंगे, क्योंकि मैं जो आंसर लिख के आई थी ज़्यादा सीनियर था, तो सर ने 5 नंबर का क्वेश्चन था, सर ने 4 नंबर दिए, 1 नंबर हटा उड़ा दिए. तो ठीक है, मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ SST, 77 out of 80, गुड. एंड नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हिंदी. हिंदी में मेरे आए हैं 76 out of 80. एंड आई नो कि थोड़ा कम है, 78-79 आने चाहिए, बट क्या हुआ ना, 2 नंबर का मेरा गलत था, तो 78 एक्सपेक्टेड थे, 2 नंबर सर ने पैसेज में काट लिए, तो 76 out of 80. एम आई हैप्पी विद द रिज़ल्ट? मे बी यस, मे बी नो. सो आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट. सो हिंदी SST डन. थर्ड है इंग्लिश, एंड इंग्लिश में आई थिंक मेरे 75 आए हैं, पहले मेरे कम थे, बट सर ने कहा था मैं 75 कर दूँगा, ऐसे नहीं कर दूँगा, मेरा सही था इसलिए कर दूँगा. आई डोंट नो कि मैं इतना हाइपर क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मेरा मूड ख़राब होता है भाई इंग्लिश का पेपर देख के उसका, क्योंकि उसमें पैसेज काफ़ी घटिया आए थे. एंड प्लीज़ इग्नोर दीज व्हीकल साउंड, बिकॉज मैं बता रही हूँ दशहरा है आज, तो सब जा रहे हैं यहाँ वहाँ, इसीलिए काफ़ी आवाज़ आ रही है. हाँ, तो मैं इंग्लिश की बात कर रही थी. इंग्लिश में पैसेज काफ़ी घटिया आए थे, जो कि मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन. आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरी तो राम भरोसे है सब. घटिया जोक्स हैं, ठीक है. तो इंग्लिश में आई थिंक मेरे 75 out of 80 हैं. आई होप कि सर ने कर दिया हूँ, क्योंकि बस होप ही कर सकते हैं, नहीं क्या होगा तो नहीं क्या होगा. एंड फोर्थ लेट्स टॉक अबाउट साइंस. फिर आ गई, हाँ. और साइंस में बता दूँ, मुझे अपने साइंस के अभी तक मार्क्स नहीं पता, बट मैं ये अभी इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन बाद मेरे स्कूल खुल जाएंगे, और अभी तक मुझे पता नहीं कि 2 दिन में अभी पता चल जाएंगे, फिर बाद में मैं काफ़ी बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है. तो मैं अभी ये बना रही हूँ, अगर मुझे बाद में पता चलते हैं तो मैं किसी भी वीडियो में बता दूँगी, उसमें मैं मेंशन कर दूँगी, तो देख लेना. और साइंस के मार्क्स मुझे क्यों नहीं पता, देखो आई थिंक एट द बर्थ ऑफ सुन रहे हो सूर भाई, सुन रहे हो
सो लाइक आफ्टर वेस्टिंग 2 आवर्स मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि मुझे साइंस के मार्क्स क्यों नहीं बताए। अरे यार, लगभग 15 डेज़ हो चुके हैं एंड मैंने 15 डेज़ में कम से कम 10 डेज़ तो बोला होगा पर्सनली कि सर कॉपी दिखा दीजिए। बट बायो वाले सर लाइक की कॉपी फिजिक्स वाले सर के पास है या फिर चेक नहीं हुई, एंड फिजिक्स वाले सर भी लाइक कि प्रिंसिपल मैम के पास है। एंड मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, ये रियल वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे कंप्यूटर के भी नहीं पता। एंड एक बात बता दूं कि मैं पेरेंट्स मीटिंग में क्यों नहीं जा पाई, मैं एक्चुअली आउट ऑफ द स्टेशन थी। देखो आज जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और 2-3 दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग थी और मैं उसी दिन बाहर चली गई थी तो मैं जा नहीं पाई। एंड उसमें मुझे लगा नहीं था कि कॉपी दिखाई जाएंगी क्योंकि चेक नहीं हुई थी, जल्दी जल्दी चेक कर दी फिर सबने तो दिखा दिया। आई डोंट नो व्हाई। फिर मुझे कंप्यूटर के भी नहीं पता, अगर पता चलते हैं तो मैं बता दूंगी। इसके बाद आते हैं मैथ्स एंड द मोस्ट अवेटेड मोमेंट। तो देखो मैथ्स में एक्सपेक्टेड तो बहुत कम थे बट आए हैं मेरे 73 out of 80। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो 3 मार्क्स ग्रेस में मिले हैं क्योंकि एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, वो भी ट्रायंगल के एरिया वाले से, जो कि सिलेबस हट गया था, तो 3 मार्क्स मिले हैं। बाकी 2 नंबर का मैंने बहुत घटिया वाले मिस्टेक्स की थी, बहुत इजी मतलब कि क्वेश्चन थे उनको मैंने गलत कर दिया था। एंड 5 नंबर का मैंने बताया था कि मेरा मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया। तो इट्स लाइक कि मैं खुश हूँ यार, आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट बट नॉट सेटिस्फाइड विद इट। सो आई थिंक आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट। एंड इतना गंदा इस रिज़ल्ट ने मुझे डिसअपॉइंट किया है कि मैं क्या बताऊँ। आई मीन ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड मुझे लग रहा है साइंस में भी मेरे काफ़ी कम मार्क्स आने वाले हैं। सो आएंगे नहीं, आए हैं एक्चुअली, क्योंकि एक दिन सर बोल रहे थे कि काफ़ी गंदा रिज़ल्ट आया है इस बार। एंड इसके साथ साथ ये कोई प्रॉपर रिज़ल्ट वीडियो नहीं है क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट मिसिंग है एंड मेन वाला ही मिसिंग है, तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। बट इस एग्ज़ाम से मुझे ये पता चला मतलब हाफ ईयरली से कि अभी और वर्क करने की ज़रूरत है। बाय द वे गाइस, तुम लोगों के रिज़ल्ट कैसे आए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एंड टेक केयर।